हर वक्त बलूचिस्तान के साथ जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं। आज हम लोग इस आप लोगों के साफियों के सामने घूर घूर के रो रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। ये जुल्म कब तक रहेंगे? हमें पिछले गवर्नमेंट में एक यूनिवर्सिटी दिया गया खुजदार, जो खुजदार रकबे के लिहाज से मैं कह रहा हूँ सूबे सिंध से भी बड़ा है। अभी सुनने में आया कि इसको मौजूदा गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों से वजह से इनको ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग स्पेशली कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। हमें उम्मीद है कि ये रोशनियों का शहर है, यहाँ पे इंसाफ हो रहे हैं, आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारे जो आवाज़ें पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँगे। तो आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आप लोगों ने मौका दे दिया। और आइंदा अगर ये प्रोग्राम नहीं हो गया, अगर ये यूनिवर्सिटी कैंसिल नहीं हो गया, हम लोग अपने बच्चों के साथ, बलूचिस्तान के ख्वातीन के साथ इस कराची प्रेस क्लब के सामने आकर अपने आप को जलाएंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने नहीं दे देंगे। मुतालबा ये है कि कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के नवाब सरदार एजुकेशन नहीं छोड़ते हैं, नहीं चाहते हैं। मैं ये वाजिया मिसाल है कि बलूचिस्तान के अंदर सिकंदर शहीद यूनिवर्सिटी है, इसको चीफ ऑफ जालावान नवाब सनाउल्लाह खान जेरी जो है साबिक वज़ीर आला ने अपने बेटे के नाम पे, बल्कि इसको मंजूर नहीं करवाया, इसको इसके लिए पैसा भी रखवाया, 80% इसके ऊपर काम भी हो चुका है, लेकिन ये मौजूदा हुकुमरान जो सरदारों नवाबों के बारे में जो बात कहते हैं, तो सबसे बड़ा चीफ ऑफ जालावान नवाब सनाउल्लाह खान जेरी ने ये सिकंदर शहीद यूनिवर्सिटी मंजूर भी करवाया, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग समझते हैं ये तासुब के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये तासुब की बुनियाद पर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बात चल रही है खुजदार में, तो कहते हैं किसी कौम को आगे बढ़ाना है तो उसको तालीम आप प्रोवाइड करो। नौजवानों के लिए शऊर कहाँ से आता है? तालीम से, क्योंकि इसके अलावा बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में गुरबत है, बेरोज़गारी है, हम सारी चीज़ें मानते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक चीज़ दिया जाए, जिस चीज़ का नाम है तालीम, जिस चीज़ का नाम है एजुकेशन। एजुकेशन पर हम काम करके आगे जाके हम अपने बलूचिस्तान को ख़ुद तरक्की करवा सकते हैं, अपने बलूचिस्तान के लिए ख़ुद काम कर सकते हैं। तो इसी हवाले से जो मेडिकल कॉलेज हमारा बनाए, मेडिकल कॉलेज और शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है काफ़ी हद तक। बस अभी 2020 में उसका इफ्तिदा बाकी रह गया था, उसका इफ्तिदा रहकर उसकी क्लासेस स्टार्ट करने थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी तैयार हो गया, तैयार होने के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया कि जो मेडिकल कॉलेज जालवान वो बना नहीं अभी तक, उसकी जगह इसको यानी कि रिप्लेस किया जाएगा। अगर इसको टेम्परेरी तौर पे मेडिकल कॉलेज के लिए यूज़ किया जाता तो भी समझ आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यूनिवर्सिटी को खित्ते से यानी कि वहाँ से निकाला जा रहा है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी को वहाँ से ख़त्म किया जा रहा है, ज़म्प किया जा रहा है। ज़म्प का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना, उसके बाद वो दोबारा उस चीज़ का दोबारा नाम हो ना निशान हो। तो हम चाहते हैं बलूचिस्तान हमारी ये नस्लों का, ये सिर्फ हमारे फैसला नहीं, आगे हमारी नस्लें इससे परवान चढ़ेंगी। हमें एजुकेशन से दूर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे, हर इदारे पे, हर मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है, इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी के हक में नारा लगाएंगे, सेव शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर उस कॉलेज को जम करके उस यूनिवर्सिटी का खात्मा इसलिए चाहते हैं कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझने वाला तो है कि दुनिया के अंदर लोग अपने तालीमी इदारे बनाते हैं, ये वाहिद सूबा है, ये वाहिद बदकिस्मत रियासत है जिसके अंदर तालीमी इदारे जो पूरे बलूचिस्तान से पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे, जो कि पाकिस्तान के भागदौड़ को संभालेंगे, वो जो मारूसी जहरी कैफियत का तर्जुमानी है। तो मेरे साथ में जरा दोस्तों, कराची प्रेस क्लब पर यहाँ आने का मकसद ये है कि ये इशू तो बलूचिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह इंसान के चेहरे का, आज जो हम कराची प्रेस क्लब पर यहाँ आए हैं, हमारा आने का जो मकसद था वो ये था कि बलूचिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट खुजदार के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गुज़श्ता आदवार में, जिसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था और कॉलेज का जो काम है वो अभी तकरीबन दरमियाने सफ़ में चल रहा था। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की जानब से एक ये फैसला किया गया है कि वो जो यूनिवर्सिटी है, लिहाजा बलूचिस्तान में 3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वर्किंग में है, चौथे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा ये किया जाए कि ये जो यूनिवर्सिटी बन रहा है इसको रोक दिया जाए, जो मेडिकल के लिए पैसे रखे गए हैं उनको बचा के वो मेडिकल के बकाया जो सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जम किया जाए। ये पहली बार देखा गया दुनिया के अंदर कि किसी यूनिवर्सिटी को कॉलेज में जम किया जा रहा है।